ये जो फ़ोन है इससे कॉपी चल रही है इसके अंदर पूरी की पूरी, क्योंकि ये वाला जो फ़ोन है ये वाला वहाँ पे दिखा दूंगा, एप्पल का जो शोरूम रहेगा उसको ये वाला फ़ोन दे देंगे, क्योंकि इतना फ़ोन काम भी नहीं आ रहा। चीयर्स गाइस, जल्दी से अपना दूध पी लेते हैं भाई जाने से पहले, 8 बजने में 7-8 मिनट ही रह गए भाई। एप्पल का शोरूम बंद मिला तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यार मेरे को उसका टाइमिंग नहीं पता कि भाई एप्पल का जो शोरूम है वो कितने बजे तक ओपन रहता है, तो उसका कोई आइडिया नहीं है। हर हमारा मोनू है, मोनू को चल रहा है भाई 75 हार्ड, खींच के एक्सरसाइज कर रहा भाई मोनू रोज। हाँ भाई, किधर जाने की तैयारी हो रही है? जूते ढूंढ रहा है हाल फिलहाल, ये जाएगा अभी। मैंने आपको बताई थी इसका चैलेंज चल रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर हो रहा है ये एकदम। लो भाई, कॉपी पूरी होगी अपनी फाइल की, अब अपन चलते हैं। गंजा कर दे यार। क्यों, क्या हो गया तेरे? बाहर चढ़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, गंजा करना है तेरे को? ठीक है, मैं आगे कर दूंगा तेरी कटिंग, अभी आईफोन तो ले आना दे। गंजा हो जाऊंगा 7 दिन से पहले। हाँ ठीक है, मैं अभी आगे कर दूंगा, तेरा फोन में लेके जा रहा हूँ, वहाँ कॉपी वोपी सब होगी। ठीक है, फ्री में दे देते हैं ना भाई, ये कह रहा है कि जो वो डब्बी और घड़ी फ्री में देते हैं ना, उनसे बोलना कि डब्बी बैग भी देते हैं, बैग फ्री में, डब्बा फ्री में, घड़ी वो कुछ नहीं देते भाई, एप्पल के शोरूम वाले नहीं देते यार, समझा करना तू भाई। अपन ने अपनी बाइक लगा दी, हेलमेट लेके हम आ गए, 20 रुपए लगे हमारे हाइपर सिटी की पार्किंग पे। अब हम आ चुके हैं हाइपर सिटी के अंदर। लो भाई, अपन आ चुका हाइपर सिटी के अंदर, अब अपन जा रहे हैं अपने एप्पल का शोरूम कहाँ पे है यहाँ पे देखना पड़ेगा यार। अरे वाह यार, ये क्या है, जंपिंग वाला, बड़ा तगड़ा दिखाऊं तुमको, क्या बात है, बच्चा तो मौज लेगा। पापा का चल दिए यार, इधर बहुत सारे शोरूम हैं देख रहे हो, और यहाँ पे ये वाली भी है, इसमें हम पहले बहुत मज़े लेते थे। सीढ़ियाँ ना जो चलती है ऊपर नीचे, देख रहे हो, ट्रेन भी है भाई, बहुत कुछ है इधर तो यार, ऊपर से देख लो कितनी बढ़िया दिखा, मस्त है ना भाई हाइपर सिटी। इस पे पेंटलून्स देखना इस पे पापा, मम्मी कह रही थी जाके आ गए थे आप लोग, प्यूमा। अरे ये क्या भाई, इस पे भी हम ना जब छोटे थे जब इस पे भी, ये क्या है, ये बोल सी रहा है इसके अंदर पानी वाणी, इसमें भी बैठे हैं हम यार। एप्पल का शोरूम, एप्पल का स्टोर का है, फ्लाइंग मशीन, इधर से मेरे को सर्च करनी पड़ेगी एप्पल का, नज़र नहीं आ रहा कहीं पे। फूड कोर्ट्स वगैरह बने हुए हैं, थोड़े कॉफ़ी वॉफ़ी का सीन है, जूडियो भी है इधर, डी मार्ट भी अपना, और ये देखो लिफ्ट भी लगी हुई है बढ़िया सी, टैटू वैटू के सब है यार। अब तो बहुत ज़्यादा दुकानें ओपन होगी, पहले तो इतनी ज़्यादा थी भी नहीं यहाँ पे। वाह यार, बच्चे मौज ले रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्या बात है, घनी मौज ले रहे हैं। तो एंट्री वाला ये है, यहाँ से होती है एंट्री, हर मिल ही नहीं रहा इधर, तो पूछेंगे किसी से। ये देखो रो, वॉशरूम लिखा है जहाँ पे, ये वाली वॉशरूम वाली शायद है। अरे हम भाई उधर चले गए, पूरा का पूरा घूम लिया हमने वो, हर इमेजिन का शोरूम देखो, ये रहा एप्पल का सामने ही था एकदम, और हम एकदम, अब भाई अपन अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है पोस्ट चल रही है निकालने के लिए। तो भाई अभी हम पहुंच गए थे आईफोन के शोरूम पे, बट भाई दिक्कत ये होगी कि वहाँ पे जो कलर है ब्लैक ही है भाई, और बाकी का कोई भी कलर नहीं, और अपने को जो कलर चाहिए था वो चाहिए था ब्लू, लाइट ब्लू कलर, बट वो था ही नहीं। तो भाई हम वापस आ गए, और भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी उधर, और वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बोला यार यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मैं कहा ठीक है भाई अगली बार से ना, कह रहा कि ना वो लेके आनी पड़ती है इधर, अगर वीडियो बनानी है तो पहले से क्या बोलते हैं वो पूछ के आनी पड़ती है किसी से, मैं अगली बार वही लेके आएंगे वीडियो बनाने के लिए, परमिशन कह रहा वो। अरे परमिशन और चाहिए, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो बनी पड़ी है, तो अरे बिहेवियर भी ज़्यादा खास नहीं था इस बंदे का, बढ़िया नहीं लगा मेरे को। तो इस बार हम जाएंगे दूसरे शोरूम से लेंगे, बट इस पे कलर भी नहीं था यार 15 का, तो अब हम जा रहे हैं डी मार्ट भाई। तो ये आ गया अपना डी मार्ट, ये ब्राउन ब्रेड ले लिया अपन ने, अरे क्या लिया अपन ने, ये डी मार्ट का ये ले लिया मैंने अखरोट, और ये चावल, और ये हार्पिक, अरे ये अपन ने लिए कोई चटपटी सी चीज़ जिसको खाएंगे, इमली वाली बढ़िया सी गई, याद है क्या हो गया देव। थोड़ा बहुत सामान ले लिया था हमने, अब ये आ गई अपनी पल्सर, अब बैठ के अपन चले जाएंगे घर पे। ये ओपन तो नहीं दे दी उसने? नहीं यार ओपन नहीं दी, अपन से ही खुल गई होगी, ये तो चिपकी हुई उतर गई इस पर, एक्सपायरी डेट देख ली थी। चलो भाई, जो हमने पर्ची कटाई थी इधर 20 रुपये की, अरे यार हेलमेट बच गया, हमने जो पर्ची कटाई थी ना 20 रुपये की बाइक के लिए, वो हमने डी मार्ट के अंदर जब आप जाओगे तो आपको उसके पैसे रिफंड नहीं मिलते, वो आपकी जो पर्ची होती है ना पार्किंग की बाइक वाली, उसके पीछे एक स्टाम्प लगा के दे देगा, उसके बाद अब देखते हैं हमारे पैसे जो 20 रुपये लगे थे वो वापस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, हमको मिल ही जाएंगे,
वो बोल रहे थे मिल जाएंगे, तो देखते हैं वो भी। अब हम घर पे पहुंच चुके थे, टाइम कितना हो रहा है मम्मी, टाइम बता दे यार। नो, दस बजने वाले हैं। ठीक है, हम लेके आए थे भाई रॉयल गाला सेब, अपन ये लेके आ गए थे सेब, रास्ते में मिल गए थे अपने को रॉयल गाला, जो कि कितने के मिले आप थोड़ा आइडिया से बताओ। रॉयल गाला अपना है सबसे ज्यादा फेवरेट एप्पल, एक नंबर भाई, एक नंबर टेस्ट यार, मजा आ गया यार। एक्सपेक्ट नहीं की थी 150 रुपये मिल जाएंगे, बट मिल गए। बोल तो 180 रुपये करा था, 150 रुपये के लेके आ गए, थोड़ी सी बार्गेनिंग वगैरह करके, नहीं तो जयपुर में 200-180 के आसपास मिल जाता है। कई कई जगह हैं जो थोड़ी महंगी सी हैं, वहाँ पे 240-260 ऐसा भी रेट है। भाई क्या बताना आपकी जगह पे रॉयल गाला का क्या प्राइस है। और भाई आईफोन अपने को मिला नहीं, चीज़ भी खरीद रहे हैं और हम खुद सामने से होके उससे 10 चीज़ें पूछ रहे हैं, सामने से वो आपको अच्छे से चीज़ें बता भी नहीं पा रहा। तो मैंने कहा यार कोई मतलब नहीं है, जहाँ पे आपकी वैल्यू नहीं हो उधर जाना ही क्यों। तो बेस्ट है कि ऑनलाइन ऑर्डर करा लो, या फिर आप किसी बढ़िया से शोरूम पे जाओ, जहाँ पे यार आपको पूछे तो सही, कम से कम एक गिलास पानी का नहीं तो ढंग से बात तो कर ले बंदा, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ ये हुई थी कि यार यहाँ पे जैसे फ़ोन की जो वैल्यू थी, उसने यार फ़ोन की हमारे वैल्यू निकाली 3000 कुछ रुपये, ठीक है, जबकि भाई कैशिफाई पर उसी की वैल्यू निकल रही है 6000 के आसपास। और वो बोलता है कि सर टोटल बोनस वोनस मिला के और 6100 रुपये का आपका फ़ोन हम ले लेंगे। मैं कहा यार कैशिफाई बोनस वोनस कुछ नहीं दे रहा, वो खाली जो वैल्यू दे रहा है वही 6000 के आसपास है। तो मैंने कहा इतना सस्ता तो ये फ़ोन ही नहीं है भाई, नया का नया एकदम फ़ोन था हमारा, जो था अभी तो कुछ ही टाइम तो हुआ उसको लिए हुए, 1 साल के आसपास हो गया होगा, तो उसकी भी इतनी खास कोई वैल्यू बोली नहीं उस बंदे ने। और कलर्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी, सोचो हो सकता है ख़त्म हो गए हो, कोई भी रीज़न हो सकता है कि यार ख़त्म हो गई, स्टॉक में नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है। तो सीधी बात बोलूँ तो मज़ा नहीं आया, अब किसी और स्टोर से लेके आ जाएंगे जब भी टाइम मिलेगा, या फिर जिस पे भी अवेलेबिलिटी होगी आईफोन की, ठीक है। और हाँ भाई एक और चीज़ कि हम जब पार्किंग से बाहर निकले थे, आउटडोर विंडो थी पार्किंग की, ठीक है, तो वहाँ पे हमने उसको जो पर्ची दी थी उस पे लिखा था ना डीमार्ट का स्टाम्प लगवाया था जो, ठीक है, वो उसको पर्ची दे दी थी और उसने हमको 20 रुपये भी वापस दे दिए थे। तो आप अगर मान लो वहाँ से ख़रीदारी कर रहे हो डीमार्ट से और आपने पार्किंग के पैसे दिए हुए हैं, तो भाई वो आपके वापस से रिफ़ंड दे देता है, ठीक है, उसने 20 रुपये चिल्लर हमको वापस दे दी थी, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। वैसे फ़ोन ओवरऑल बात करूँ तो बढ़िया ही है, बट अब देखते हैं कब आएगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, टेक केयर।